नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरु कृपा जब हम पर होती है तभी हम जन कल्याण के कार्य कर पाते हैं। उत्विचार भोपाल दादाजी धुनी वाले दरबार से खातेगांव नगर में पहुंचे साधक संघ गुरुदेव दादा भाई ने ब्यास सीट से जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अर्पण तर्पण समर्पण माँ महात्मा और परमात्मा का अलौकिक समागम है, संत के सन्निधि में दिखाई देता है। माँ महात्मा और परमात्मा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जीव का प्रथम गुरु माँ है, क्योंकि माँ बचपन संवारती है, और दूसरा गुरु महात्मा है, क्योंकि जवानी में जीवन में एक संत होना जरूरी है, एक महात्मा होना जरूरी है। महात्मा जिसकी महान आत्मा है, महात्मा है तीसरा परमात्मा है। और यह दिव्य अनुष्ठान जगत कल्याण के साधक सदगुरु देव दादा भाई के पावन सन्निधि में आयोजित हो रहा है, जहां देवताओं को अर्पण, पितरों को तर्पण और कोरोना महामारी से निजात के लिए राष्ट्र को समर्पण, अर्पण तर्पण समर्पण के माध्यम से हम जीवन को धन्य बनाएं। उत विचार पंडित राजेश व्यास व्यर्थ किए कथा के पूर्व गुरुदेव साधक संत दादा भाई के पावन सन्निधि में टीकाकरण महाअभियान को लेकर जन कल्याण कलश यात्रा का शुभारंभ गायत्री मंदिर से प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम माँ गायत्री का पूजन एवं कलश पूजन किया गया। दादाजी सेवा भक्त मंडल के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू ने बताया कि साधक संत दादा भाई जिनका एक ही लक्ष्य है, जन जन का कल्याण होना चाहिए। और कल्याण कब होगा? जब हम सुरक्षित रहेंगे। और हम सुरक्षित कब रहेंगे? जब टीकाकरण कराएंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। महिला बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, नगर परिषद खातेगांव, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, दादाजी सेवा भक्त मंडल, श्रमजीवी पत्रकार संघ सहित नगर एवं क्षेत्र के गणमान्य जन सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने आमजन को आह्वान किया है कि टीकाकरण अवश्य लगवाएं। जन कल्याण यात्रा में सभी में आमजन में यही अपील की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप साहू ने किया। आभार प्रदेश संयोजक रवि शर्मा ने माना। खातेगांव से सत्तार खान की रिपोर्ट। ऋषि मनुष्य पितृ हाथ जोड़ेंगे भैया। सभी यहाँ पे जो सामने चल है उसमें ध्यान करना है कि सभी जो पितृश्वर है हमारे पूर्व सबसे पहले सामने की ओर कुशा कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।